बातें क्लास चल रहा था 15/5/65 चौथे पेज की आदि में बात चल रही थी माताएं सब की गुरु हैं और मैं इनको गुरु के पद पर ले जाता हूं। इन माताओं के द्वारा ज्ञान देता हूं। कलश माताओं के ऊपर रखता हूं। गाया भी जाता है शास्त्रों में, ज्ञान कलश लक्ष्मी माता के ऊपर रखा। फिर असुर आते हैं, कोई तो असुर आकर के अच्छी तरह से नॉलेज लेकर के, फिर कोई भक्त में जब उनको माया पकड़ती है तो असुर बन जाते हैं, भस्मासुर बन जाते हैं। नाम तो है ना भस्मासुर, यानी बाप का बन करके फिर असुर बन जाते हैं। अपन को फिर भस्मीभूत कर देते हैं। कैसे? पहले बाप के बच्चे बनते हैं, फिर काम शिक्षा पर बैठ करके जन्म मरते हैं। ऐसे होता है ना बरोबर? सभी देखते हो कि यहां बाप के आपास आकर के अंजाम करते हैं, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, बाबा हम कभी काम चिता पर नहीं बैठेंगे। अभी भस्मासुर असुर भस्म बन गया, असुर बना, काम अग्नि में जल मरा। ऐसा क्यों होता है? जो काम चिच्छा पर बैठा, ये भस्मासुर किसका नाम है? जो काम चिच्छा पर बैठते हैं उनके तो अनेक नाम है, भस्मासुर अकासुर बकासुर कंसी जरासिंधी, ढेर के ढेर नाम है। ये सब नाम है तो इस समय के ना, अपने को काम शिक्षा पर चढ़ाए कर भस्म करते हैं तो भस्मासुर नाम पड़ता है। अक की तरह दुर्गंध छोड़ते हैं ब्राह्मण समाज में तो अकासुर बन जाते हैं, कहलाते हैं। तू अज्ञान की बातों को लेकर के बक बक करते हैं। कन्याओं को कोसने वाले कंस बनते हैं और ऐसे पुराने ढेर के ढेर सिंधी हैं जो फिर जरा सिंधी कहे जाते हैं। गीता के समय के नाम है।
अभी गीता का एपिसोड चल रहा है, भागवत में है ना, बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे अभी गृहस्थ व्यवहार में रहो, देखते हुए कि बरोबर पति ब्राह्मण नहीं बना, और ये अभी भी शूद्र ही है तो भी तुमको तोड़ निभाना पड़े, नहीं तो झगड़ा बन पड़ता है। सिर्फ पुरुषार्थ करना है कि विकार में मत जाओ। सो तो तुमको बाबा बहुत ही युक्तियां बताए देते हैं, परंतु अपने दिल साफ रहना चाहिए। कोई विकार के लिए मारे तो प्राइम मिनिस्टर को या किसको भी एक चिट्ठी लिख देना, अरे कभी कभी कोई दुखी होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां भी लिखते हैं, आगे बहुत लिखते थे। अभी भी तुम मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख दो या कोई अच्छा हो, चलो लाल बहादुर शास्त्री को ही लिख दो या कोई को भी, ये हमको मारते हैं। परंतु मजिस्ट्रेट को लिखना सबसे अच्छा है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखना सबसे अच्छा है। हम पवित्र रहती हैं भारत को पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि सारा भारत पतित है। तो अब बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, उनको जीतो तो हम पवित्र बनती हैं भारत को पवित्र बनाने के लिए, और अभी ये हमको मारता है। अब आपके पास इसके लिए क्या जजमेंट है? आप हमको कैसे सुनाएंगे? परंतु ये सब लिखने के लिए ताकत चाहिए। नष्ट मोह बनने की ताकत चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले लिख देना फिर बाल बच्चों को छोड़ करके तड़पना, क्योंकि बाद में तो माया बहुत तड़पाएगी, तो पति भी बहुत याद आएगा जो मारते हैं, क्योंकि पति के ऊपर स्त्री का बहुत मोह होता है, अथाह मोह, क्योंकि ये बाबा अपना अनुभव बोलते हैं। कोई पति बैठ करके स्त्री को खूब मारते हैं और कोई ने आकर के उनको छुड़ाया, दो थप्पड़ लगाया, क्योंकि कोई बुजुर्ग भी होते हैं ना, तो पीछे वो स्त्री जिनको मारा वो मुट्ठी गाली आदि देने लग पड़ती है, अरे तुमने हमारे पति को क्यों मारा? पीछे वो स्त्री जिसको मारा कैसे गाली देती? ये बाबा का अनुभव है, क्योंकि उनमें बहुत मोह है। तो तुमने इसको क्यों छोड़ा? बाबा तो सब अनुभव की बातें सुनाते हैं। कोई के बच्चे मां को मारते हैं, जा करके उनको दो थप्पड़ लगाओ
तो फिर मां भी फिट पड़ती है। मुआ ने आकर के मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा, अरे मुट्ठी तुमको तो ये मारता था छुड़ाया, फिर तुमको ऐसे क्यों लगता है। देखो हर बात में बाबा अनुभवी है। पति स्त्री को मारते हैं फिर उनको छुड़ाने के लिए जाओ, बुजुर्ग होगा सो तो जरूर छुड़ाएगा, लगाओ थप्पड़ पीछे फेंटती रहेगी। देखो कितना मोह है। यहां भी स्त्री को पति के ऊपर और बच्चों के ऊपर मोह बहुत होता है, जैसे कि बंदर ही बन जाती है। और बंदर को तो इतना मोह नहीं होता है जितना इन बंदरियों को होता है। तुमने बंदरियां देखी हैं? बच्चा मरेगा तो एकदम कभी नहीं छोड़ेगी, वो मरा पड़ा होगा यानी मुर्दा होगा तो उनको उठा करके इधर उधर फिरती रहेगी, क्योंकि बहुत बच्चियों ने तो देखा भी नहीं है। बाकी बाबा समझाते हैं, जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम है मर जाएगा, बास आदि हो जाएगी, फिर भी उनको लटकाती रहेगी। तो ये मोह हुआ ना, इसलिए कहा जाता है बंदरी में बहुत मोह होता है। तो इन सब पुरानी चीजों में मोह नहीं रखना है। अभी तो गाते आते हैं कहते आते हैं कि मेरा तो एक फिर दूसरा न कोई, मैं उस एक के ऊपर बलिहार जाऊंगी बारी जाऊंगी। अब तुम अपनी बातें भूल तो नहीं गए हो? देखो बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता आया हूं, तुम लोग ऐसे भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म कहते आए हो, याद करते आए हो कि आपके ऊपर बलिहार जाऊंगी और आपके बिगर हम कोई दूसरा नहीं मानेंगे, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गीता में भगवान कृष्ण को डाल दिया है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि आया था कोई भक्त में और बरोबर उनको ऐसा बनाया था जैसे अभी तुम बना रहे हो। तो इस समय भक्ति मार्ग में गायन होता है, वो गाती रहती है, परंतु वो गिरधर गोपाल तो है ही नहीं, और यहां तो शिव बाबा तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अभी जब अंजाम करते हो तो बाबा रिमाइंड करते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम ऐसे ऐसे कहते आए हो, और अभी जब मैं आया हुआ हूं तुमको मैकुंठ का मालिक बनाने के लिए, फिर भी तुम मेरे मत पर नहीं चलते हो। 15/5/65 की वाणी का 5वां पेज, तुम मेरी मत पर नहीं चलते हो तो फिर ये बाबा कहते अभी इन सब से तुमको बैराग, तेरे पर बलिहार जाऊंगी दूसरा न कोई। अच्छा अभी बाबा कहते मेरे को याद करो और उन सब में नष्ट मुआ होती जाओ, तब तलक नष्ट मुआ रहना है, बताओ कहां रहेंगी? जंगल में तो जाकर के नहीं रहेंगी, और बाबा के पास तो इतनी जगह भी नहीं है जो सबको यहां रख सके। देखो अभी कितने बच्चे हैं कहां रहेंगे,
इतने सब रह सकते हैं क्या? बहुत ही इम्पॉसिबल। तो कहते हैं कि रहना भी है घर गृहस्थ व्यवहार में, अपने घर में रहना है। बाबा ऐसे तो नहीं कहते हैं यहां आकर के सब रह जाओ। हाँ, यहां रिफ्रेश होने के लिए भले आओ, सेंटर्स में जाकर के रिफ्रेश होती रहो, फिर भी मधुबन में बाप से डायरेक्ट रिफ्रेश होने से बहुत मजा आ जाता है। जैसे कि हम बाबा के पास बैठे, अपने दादा के पास, मम्मा के पास बैठे हैं। अभी मम्मा तो है नहीं, फिर भी फोटो देखो रख दिया है। नहीं तो फोटो मुर्दे का रखते हैं, जब मर जाते हैं तो उनका फोटो रखते हैं। और मम्मा तो जी रही है ना, तुमको याद भी है तो देखो फोटो रख देते हैं। अभी जानती हो कि शिव बाबा है, ब्रह्मा भी तो है, माता पिता भी तो है, तो मम्मा भी है, और तो मीठे मीठे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बच्चे कितने हैं देखो, ये बुद्धि से समझने की बात है ना, कि जरूर प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण बहुत होंगे। और अभी ये ब्राह्मण कब होंगे? गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताय नमः, पहले ब्राह्मण फिर वो ही ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं अव्वल नंबर में। अव्वल नंबर का धर्म है ना कि ब्राह्मण खुद गाते हैं। पर ये क्या है, बस बड़ों से सुना हुआ है और ये बातें कहते आए। अभी तुम ब्राह्मण सर्विस करते हो, रूहानी सेवा करते हो, और फिर बाद में देवता बनेंगे। तो ब्राह्मणों को भी नमस्ते और देवताओं को भी नमस्ते। उनमें भी जास्ती नमस्ते किसको करते हैं? ब्राह्मणों को करते हैं, इतना देवताओं को भी नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को करते हैं। क्यों भाई? ये सेवा कर रहे हैं ना, देवताएं कोई सेवा थोड़ी ही करते हैं। ये ब्राह्मण तो हमको कांटों से फूल बनाए रहे, देवताएं थोड़े ही किसको कांटे से फूल बना देंगे। देवताएं कांटे से फूल बने हुए हैं, तो फिर महिमा किसकी हुई? शिव बाबा की, जो कांटों से फूल बनाते हैं। तो बलियारी तो शिव बाबा की हुई ना। शिव बाबा अगर नहीं आवे तो क्या हम तुम यहां होते? नहीं, तो बलियारी शिव बाबा की है। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य है शिव बाबा की जयंती, क्योंकि सबको आकर के जीए दान देते हैं, सभी मुर्दे बने पड़े। और माया रावण ने इनको बिल्कुल ही बेहोश कर दिया एकदम। तो देखो बाबा आकर के होश में लाते, और तुम कितने होश में आ गए हो। बाबा खुद कहते हैं कि देखो मैं कितने होश में आया हुआ हूं, कितना नशा था अपने उस पाई पैसे के जवाहरात के धंधे का। अभी एकदम बोलते हैं अरे
ये व्यापार करना तो ठीकरियों का काम, अभी तो हम बाबा से हीरे रत्नों से माला माल हो रहे। नशा चढ़ता है ना कि हम बाबा से भविष्य की जन्म के लिए माला माल हो रहे, इसे दुनिया के लिए नहीं। कौन किसकी बात हुई, किसने कहा? अरे ये किसकी बात बताई? ब्रह्मा ने बोला अभी तो हम 21 जन्म के लिए माला माल हो रहे हैं। तो ब्रह्मा क्या 21 जन्म के लिए माला माल होता है? होता है। सतयुग में 8 जन्म लेते हैं और त्रेता में है, है? इसलिए 21 जन्म गाया हुआ है। तो ये बात इस दुनिया के लिए नहीं है 21 जन्मों की, ये भी तो जानते हो कि ये मृत्यु लोक है, इसमें तो एकदम कुछ भी नहीं है, ये तो सब खत्म हो जाना है। मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, ये दुनिया में तो कोई जानते ही नहीं है। अमर लोक जाने के लिए मृत्यु लोक में अमर ना आता तो आना पड़े ना। तो देखो मृत्यु लोक में अमरनाथ आया हुआ है, अमरनाथ को शिव बाबा कहेंगे ना, तो आया हुआ है तुम बच्चियों को पार्वतियों को यहां अमर कथा सुनाई रहे हैं। तुम सब पार्वतियों, एक पार्वती थोड़े ही है, सब पार लगाने वाली हो, फिर तुम वहां अमर लोक में अमर बनती हो, यानी वहां मरने का नाम नहीं होता है। यहां तो मरने का नाम सुनकर मनुष्य एकदम डर जाते हैं। जो वारियर्स होते हैं वो मरने से नहीं डरते, वो तो जैसे कि मरे पड़े हैं। तो देखो अभी लड़ाई में जाएंगे तो वो वारियर्स डरते हैं क्या? नहीं, वो समझते हैं कि हम तो मरे पड़े जाएंगे तो मरेंगे, मारेंगे या मरेंगे, वहां जाकर के और कोई धंधा करेंगे क्या? तो तुम्हारे में भी नंबर वार है, नहीं तो बुद्धि में बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है ना। देखो बुद्धि जाती है ऊंचे ते ऊंचा, बरोबर हम आत्माओं का निवास स्थान जहां बाबा भी रहते हैं। अच्छा पीछे नीचे आओ, ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना, अभी यहां आओ, प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा जगत की अम्बा। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हैं, कहेंगे शिव बाबा के। इन बच्चों को वर्षा कहां से मिलता है? शिव बाबा से। तुम जानते हो मम्मा बाबा और चिल्ड्रन, बरोबर हम वर्षा ले रहे और ये वर्षा ले रहे हैं शिव बाबा से, केयर ऑफ ब्रह्मा। कौन सा वर्षा ले रहे हैं? हैं? अरे वर्षा कौन सा ले रहे हैं? स्वर्ग का वर्षा ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा जीवित है? हैं? फिर मुरली में झूठ बोल दिया,
फिर है जगदम्बा को किससे मिलता है? हाँ तो ब्रह्मा की बात हो रही ना। शिव बाबा वर्षा देते हैं कि आराफ ब्रह्मा, तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूं। मैंने आगे भी कहा है ना कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है साधारण बूढ़े तन में या साधारण बूढ़े तन में है? साधारण बूढ़ा तन क्यों कहा? जबकि उनकी वान प्रस्थ अवस्था है, बहुत जन्म के अंत के भी जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। कितने बहुत जन्म? 84 जन्म। उन बहुत 84 जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, तो 84 जन्मों के अंत का जन्म कौन सा हुआ? संगम। संगम तो सारा ही है, 84 जन्म पूरे हुए तो भी सारा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्म 84, उनका भी अंत। तो 84वें जन्म का अंत क्या हुआ है? 84 जन्मों के अंत का जन्म हुआ 76 में, और उसके भी अंत में 76 में ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है। फिर जीवित रहता है शरीर से या खलास हो जाता है? हैं? खलास हो जाता है। 76 में खलास होता है कि 69 में खलास होता है? है? अरे 69 में खलास होने वाले ब्रह्मा की बात नहीं है, उस ब्रह्मा की बात है जिससे वर्षा मिलना है। किससे वर्षा मिलता है? जो यज्ञ के आदि में एकदम आदि में प्रजापिता ब्रह्मा था, 60 वर्ष की अवस्था थी, उसमें 40 वर्ष जोड़े तो 76 आया। उसको कहेंगे बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत नहीं। कब कहेंगे? हैं? 76 में शरीर छोड़ देता है या रहता है? रहता तो है लेकिन आप मुए मर गई दुनिया, ऐसे दुनिया से जैसे ममत्व खत्म हो जाता है। तो अंत के भी जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं, तो वो अंत कौन सा हुआ? नहीं तो यहां भारत में वानप्रस्थ अवस्था इतनी क्यों गाई जाती है? कितनी गाई जाती है? है 60 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक भी, और बरोबर बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में आया हुआ भी है। जो छुड़ाया है वास्तव में वान प्रस्थ अवस्था में धंधे दोरी छोड़ देते तो ऑटोमेटिकली बाबा ने छुड़ाया, नहीं तो इनकी बुद्धि में थोड़ा ही था
कि हम कोई छोड़ेंगे। हम तो वहां कहते थे कि हम तो यहां भी मकान बनाएंगे, फलाना करेंगे, ये तो सबको रहता है ना, जितनी कमाई उतनी कुछ न कुछ गंवाई, 15-5-65 की वाणी का छठा पी तो देख लिया कि नहीं, अभी तो बाबा आया है और अभी तो हम मालिक बन रहे हैं, वाह हम बैकुंठ का मालिक बनते हैं। कोई कोई ऐसे बात सही मिले तो पगला हो जावे। जब बड़ी रेस होती है ना, फिर उसमें 10-20 लाख आते थे। कोई गरीब होता है, इसको टिकट आ जाती है तो जल्दी नहीं देते, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से धीरे धीरे, कोई तो उसको मार भी देते थे, फलाना भी कर देते थे, जिसमें वो चरिया ना हो जावे, क्योंकि अचानक किसको जास्ती पैसा आ जावे तो चरिया हो जावे, पगला हो जावे। ये तो देखो इनको एकदम बादशाही मिलती है, तो अब इनको क्या करेंगे, अभी तो बाबा से बादशाही लेनी है। और तुम बच्चों को बुद्धि में है कि बरोबर पहले भी बादशाही ली थी और हम कल्प कल्प बाबा से बादशाही लेते, फिर हम रावण से हराते हैं। अरे ये तो मालूम हो गया ना, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है ना, सारी स्टोरी जो कोई भी नहीं जानते हैं और तुमने जान ली। ये हो गई वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की स्टोरी। और स्टोरी किसको कहा जाता है, नाटक को। तो ये सब नाटक है ना, बुद्धि में बैठा है और बुद्धि में बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है। बाबा तुम्हारी बुद्धि में अभी बैठा ही रहे हैं, बरोबर मूल वतन से आते हैं, सूक्ष्म वतन में रहते हैं, फिर यहां आए। देखो अभी फिर से बाबा से बादशाही ले रहे हैं, किसकी बात हो रही है, कौन मूल वतन से आते हैं, सूक्ष्म वतन में रहते हैं, फिर यहां आए हैं, अभी बाबा से बादशाही ले रहे हैं, तो वो बादशाही हम कैसे गुवाएंगे। अभी ब्राह्मण हैं, पीछे देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र, एकदम बायजोली खेलते हैं। अब इस बायजोली का चित्र हम कैसे बनावे, जो मनुष्यों को समझावे। देखो ये गोला है, गोला में ऐसे ऊपर में चोटी है, पीछे सिर है, बाद में फिर पेट है। अभी टांगे तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसको हम गोल चक्कर में ऐसे लंबा कैसे बनावे।
इसलिए कहते हैं कि ये विराट स्वरूप बनाओ। विराट स्वरूप में दिखाते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु चोटी नहीं दिखाते हैं। देवताएं हैं मस्तक समान, क्षत्रिय हैं भुजाओं समान, वैश्य हैं पेट और जंघाओं समान, शूद्र टांगे समान, चोटी गायब कर दी। ये है ब्राह्मण चोटी। तो ब्राह्मण चोटी को क्यों नहीं दिखाते? ब्राह्मण का नाम ही नहीं है। अब ब्राह्मणों का नाम नहीं है तो ब्रह्मा का नाम भी नहीं। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब दिखाए, ब्राह्मणों को नहीं दिखाया, तो ब्रह्मा को भी नहीं, नाम ही नहीं, तो फिर शिव बाबा का नाम भी नहीं है। देखो बाप का भी नाम नहीं। अभी देखो ब्राह्मणों की चोटी ही नहीं है। सिर्फ कहते हैं ये देवताएं, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो विराट रूप में ऐसे दिखाते हैं ना, और तो कुछ ही नहीं दिखलाते हैं। ये ब्राह्मण चोटी है ही नहीं, शोभती ही नहीं। फिर चोटी के ऊपर शिव बाबा, वो चित्र भी नहीं शोभता है। इसलिए फिर माला ठीक है, युगल माला का दाना, प्रवृत्ति मार्ग शिव बाबा और ये बैठ करके विजय माला बनाते हैं। अभी ये विजय माला बन रही है ना, बुद्धि में है ना कि हम शिव बाबा को याद करके फिर विजय माला में आवे, तो काम दौड़िए। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, भाई किला ठोंक दिया, जो स्तंभले पर पहले आएंगे और यहां जा करके पहले पहुंचेंगे, ऐसे नहीं थंगबले पर कोई पहले पहुंचेंगे और यहां नहीं आएंगे। थंबले को पहुंच करके फिर वापस आ जाएंगे। अब जो पहले आवे, तो ये भी ऐसे ही है। पहले हम दौड़ ही पहनते हैं, रुद्र बाबा को हाथ लगा करके फिर पहले आकर के गद्दी पर बैठ जाएंगे। दिन तभी हो जाएगी, दिन हो जाएगा, समझते हो ना? बरोबर ये स्कूल भी तो है ना, पाठशाला भी तो है ना, परंतु इसमें ये गुह्य बातें, गुह्य बातें। अच्छा अभी टाइम पूरा हो गया, बाबा इतना ही टाइम देते हैं। बाबा का कहना भी है कि थोड़ा थोड़ा बोलो, माने कम बोलो, नहीं तो फिर खुश्की में तुम्हारा गला खराब हो जाता है। बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि आओ, कोई भी सर्विस लेनी है, दिल में कोई भी बात हो तो आकर के टाइम लेकर के पूछ सकते हो। ऐसे ना हो कि कोई कहे कि हम बाबा से मिले नहीं, हमको बाबा से बात करनी थी। भले वास्तव में बात तो कोई करने की होती नहीं है, क्योंकि बाबा ने बोला है मुरली से सब समस्याओं का समाधान मिल सकता है। कौन सी मुरली से? जो रोज की मुरली सुनते हैं उससे सब समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो बाबा कहते हैं मन मना भव,
बाबा को याद करो, मेरे को मंत्र तो अच्छा मिल गया, बाकी अच्छा हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बहुत कुछ माँ बातों में मुझते हैं, अटक करते हैं, ये काम करें या न करें, तो भले उनसे पूछो, इनमें तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो कोई विकर्म कर देंगे। जो बलि चढ़े हैं उनके लिए बात है, बलि चढ़े हैं उनके ऊपर जास्ती रहता है, ये कैसे बलि चढ़े हैं? ऐसे नहीं कि ट्रस्टीपना उनका है, कोई पाप के खाते में पैसा दे दे, में बिचारे के ऊपर पाप ही चढ़ जाएगा, और फिर ट्रस्टी होकर के पैसा भी उनमें से बगैर पूछे नहीं उठाना है, तो पहले से ही बता देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में सो तो भले करो, परंतु कुछ करना है तो कोई ऐसी बात हो तो पूछ लेना, ऐसे न हो किसको दे दो तो उससे पाप हो जावे, क्योंकि बाप समझाते हैं जब से ये माया शुरू होती है तो जो कुछ भी लेन देन होता है उसमें पाप ही होता है। गुरु को दो तो भी पाप, फकीर को दो तो भी पाप, कोई फलाने को दो तो भी पाप। कायदा होता है कि जब भी दान किया जाता है तो पात्र को दिया जाना चाहिए, कुपात्र को दिया तो वो कुपात्र कपूत जो करेंगे तुम्हारे ऊपर भी उसका हिस्सा बैठ जाएगा। अब वो है हद की बातें और ये है बेहद की बात। 15/5/65 की वाणी का 7वां पेज। इसलिए बाबा वार्निंग देते हैं, बाकी करो, बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे दे दो, शिव बाबा ऐसे कहेंगे क्या? क्योंकि वो तो दाता है ना, वो तो बोलेंगे कि खबरदार होकर के रहो। कहां तुम्हारे से फिर विकर्म न हो जाए, और विकर्म हो जाएगा तो नुकसान तुमको ही पहुंचेगा, समझा ना? तो सब पैसा अपने पास ही ट्रस्टी बन करके रखो, तुमको दान करना है तो तुम मेरे से डायरेक्शन लो, तो जाओ मीठे बच्चे जा करके तीन पैर पृथ्वी पर है, चाहे चार पैर पृथ्वी पर है, पांच पैर पृथ्वी पर, एक हॉस्पिटल कॉलेज है यूनिवर्सिटी निकालो, बस उसमें लिख दो सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में विश्व की बादशाही। बहनों और भाइयों आ करके सेकंड में विश्व की बादशाही का रास्ता लो, आओ तो हम बताएं, कोई भी आवे बोलो अरे तुमने सुना नहीं है, देखो बाप का बच्चा जन्म लिया और हद का बादशाह बन गया, अभी तुम बाबा को जन्म लो, हम भी उनको जन्म लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो विश्व का मालिक बनो। देखो सेकंड की बात सही है ना, और फिर उनकी मत पर चलो, हाँ विकार में नहीं जाना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, बात तो ठीक है,
सेकंड भी गस्सा थोड़े ही कोई ने लगाया है। सन्यासियों को बहुत कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर हमको जीवन मुक्ति चाहिए, जैसे जनक को मिली। ये मिसाल बहुत देते हैं कि हमको ऐसा चाहिए। अब वो मूर्ख तो ऐसे समझते ही नहीं है कि सन्यासी कैसे देंगे जिन्होंने घरवार छोड़ा है। वो तो देने वाला एक ही है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। जो तुम बच्चों को दे रहे हैं बड़ी सहज बात है। अच्छा टोली ले आओ, तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर के पिछाड़ी तक जरूर होना चाहिए कि ड्रामा कैसा है। सारा दिन होना चाहिए, तुम एक्टर्स हो ना। एक्टर्स को सारे नाटक का बुद्धि में जरूर होगा, भले उन एक्टर्स को कौन सा भी पार्ट है, बिल्कुल हल्के में हल्का पार्ट है तो भी बुद्धि में वो सारा ड्रामा जरूर होगा। वैसे तुमको भी बुद्धि में सारा ड्रामा रखना पड़ता है। जो जास्ती ड्रामा बुद्धि में रखता है, जास्ती सुदर्शन चक्र फिराता है, वो समझा भी सकता है। तो मीठे मीठे लाड़ले बच्चे, देखो कौन कहता है, ये पक्का याद रखो कि शिव बाबा कहते हैं बच्चों को। और कौन से बच्चे, वो आत्माएं जो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाबा भी आकर के इन आर्गन्स का लोन लेकर के आर्गन से काम करते हैं। आजकल जो बैल बनाते हैं उनको ज्योतिर्लिंगम यहां देते हैं, कहां कंधे पर है, बैल होता है ना, उसके कंधे पर क्या होता है, गुम्मड़ा। तो क्या हो गया, जैसे कि ज्योतिर्लिंगम। ऐसे बैल को तुम लोगों ने कभी देखा है, यहां कंधे के ऊपर गर्दन की साइड ज्योतिर्लिंगम है। शिव के मंदिर में बैल रख देते हैं तो वो समझते हैं ये शिव की सवारी है। अभी शिव नहीं कहते हैं कि शिव की सवारी है, क्या कहते हैं, शंकर की सवारी है। शिव की तो सवारी हो ही नहीं सकती है, क्यों है, शिव को तो हाथ पांव है ही नहीं, वो कैसे बैठेगा बैल पर, लुढ़क नहीं जाएगा। मनुष्य कोई बैल के ऊपर बैठ सकेंगे, तो देखो ये कुछ समझते तो नहीं है क्या है। ये समझने की बात है ना कि शिव किस पर बैठे, शंकर पर बैठे, और शंकर ने किस पर सवारी की, बैल पर सवारी की। तो लोग समझते नहीं है तो आजकल शिव को भी यहां देते हैं कि बैल पर सवारी थी। अब बैल पर थी या मनुष्य पर थी ये तो बताओ, हैं? शिव को सवारी किसके ऊपर थी, हैं? बैल पर थी, हैं? शिव बैल को समझाने आवेगा ज्ञान, तो किस पर सवारी थी, हैं? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसके ऊपर शिव की सवारी, मनुष्यों को ही समझावेगा।
तो नंदीगण पर थी या भागीरथ पर थी, दो अक्षर हैं, एक नंदीगण है फिर भागीरथ। अभी भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, और वो तो ये ठहरा, यानी मकान शिव बाबा को लोन देना, ये क्या समझते हो? ये भागीरथ ठहरा ना। अभी बैल या ये देखो, लोन किसको दिया? शिव को दिया या शिव बाबा को दिया है? किसने? जिसने लोन दिया वो बैल किसको दिया? शिव बाबा को दिया, शिव को तो नहीं दिया ना। इतना समझ भी नहीं आती है कि शिव के मंदिर के सामने बैल खड़ा कर देते हैं। सो भी जानवर, क्योंकि समझ में कोई को आता नहीं है। अभी देखते हो ये भाग्यशाली रहता है ना, और बरोबर यहाँ ये भ्रकुटी के बीच में निवास करता है। अभी इतना बड़ा तो नहीं है, तो ये भी समझने की और समझाने की सूक्ष्म बातें। बहुत नशा चाहिए, इतना बड़ा है या नहीं है जो बैल के ऊपर गुम्मड़ा दिखाया है? इतना बड़ा है, है? कि बिंदी है? बिंदी है, फिर इतना बड़ा गुम्मड़ा क्यों दिखाया गोल गोल बैल के कंधे पर? क्योंकि जिसमें प्रवेश करता है वास्तव में वो लिंगाकार, जैसे लिंग को हाथ पांव नहीं होते, ऐसे स्मृति के आधार पर जैसे कि आंखें हैं ही नहीं देखते हुए इस दुनिया को नहीं देखता, कान हैं लेकिन कान होते हुए भी सुनते हुए भी नहीं सुनता, तो समझने की बातें हैं। बहुत नशा होना चाहिए। शिव बाबा ज्ञान सागर के बच्चे हो, सारी बातें बुद्धि में बैठना है जो एकदम फिरता रहे, सारा ड्रामा, सभी मुख्य एक्टर्स, और छोटे छोटे एक्टर्स तो नहीं बताए जाएंगे। छोटा नाटक होता तो सबको एक्टर्स का नाम भी मालूम पड़ता, कितने एक्टर्स होंगे, 50, 60, 70, कितने एक्टर्स? अभी सबकी बायोग्राफी थोड़े ही समझेंगे, मुख्य प्रिंसिपल तो जान गए कौन, बरोबर है वो तो हमारा बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर जगदम्बा, और वो ही फिर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी चंद्रवंशी। और कोई चित्र नहीं है? नहीं तो देखो इस विराट ड्रामा में तो अथाह चित्र है। गधे किसी सी, सुअर किसी सी, हनुमान किसी सी, फलाने किसी सी, बहुत, एक जगदम्बा नहीं है पर हजारों जगदम्बाएं कर दिया।
परंतु है तो एक ना, जगदम्बा एक होनी चाहिए ना, जगदम्बा दो तीन चार तो नहीं होंगी ना। अगर दो तीन चार कहें तो जगत पिता को दो चार पांच दिव्य बन जाए, वो भी तो नहीं बनता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।